नमस्कार। आज हम एक छोटी सी एक्टिविटी से ये देखेंगे कि गणित में अलग अलग मेयरमेंट के यूनिट्स को हम एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसा कि इस छोटी सी एक्टिविटी में आप देख रहे हैं, हमने यहां पर लेंथ के बहुत सारे यूनिट लिखे हैं। यह है मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर और किलोमीटर। यदि हमें इन यूनिट्स को आपस में कन्वर्ट करना हो तो किस प्रकार से करेंगे, वो हम इस छोटी सी एक्टिविटी में सीखेंगे। मान लीजिए सबसे पहले हमें 6 मीटर को किलोमीटर में बदलना है, तो हम देखते हैं कि इस एक्टिविटी में कैसे बदल सकते हैं। यह है मीटर, हमें यहां से किलोमीटर की ओर जाना है, तो हम देखेंगे कि यदि एक व्यक्ति यहां खड़ा हो तो उसे यहां से ऊपर जाने के लिए कितनी छलांगें मारनी होगी। एक छलांग, दो छलांग, तीन छलांग। इस प्रकार से मीटर से किलोमीटर की ओर जाने में उसे एक, दो और तीन छलांगें मारनी होंगी। इसका अर्थ यह है कि प्रत्येक छलांग पर एक शून्य हर में जुड़ता जाएगा, तो तीन छलांगों का मतलब है तीन जीरो, अर्थात हमारे पास इसे हल करके जो दशमलव आएगा वो आएगा 0.006, यानी 6 मीटर में हमारे पास 0.006 किलोमीटर होते हैं। आइए एक अन्य उदाहरण इसमें देखते हैं। यदि हमें डेसीमीटर से मिलीमीटर की ओर जाना हो तो नीचे की ओर छलांगें उतरेंगी कितनी, एक, दो। इस प्रकार से डेसीमीटर से मिलीमीटर की ओर दो छलांगें नीचे की ओर लगेंगी। मान लीजिए हमें 7 डेसीमीटर को मिलीमीटर में बदलना हो, नीचे की तरफ दो छलांगों का मतलब है कि यह दो जीरोस के साथ गुना हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 7 × 100 मिलीमीटर, यानी कि 7 डेसीमीटर में 700 मिलीमीटर होते हैं। इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि यदि एक छोटे यूनिट को बड़े यूनिट में कन्वर्ट करना हो तो हमें शून्य के साथ भाग करना पड़ता है, यानी 10 या 100 या 1000 के साथ भाग करना होता है। यदि हम बड़े मीटर से, बड़े यूनिट से छोटे की ओर जाएं तो हमें इसी प्रकार से 10, 100 या 1000 के साथ गुना करना होता है, जैसा कि हमने इस एक उदाहरण में देखा। हमने इसकी सहूलियत के लिए एक छोटा सा चार्ट भी बनाया है। यहां भी आप देख सकते हैं कि हमने सभी यूनिट्स को क्रमवार यहां पर दिखाया है, किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर। यदि हमें बड़े यूनिट से छोटे यूनिट की ओर जाना है तो हम 10 से गुना करते जाएंगे, 10 हर स्टेप पर 10 जुड़ता जाएगा, यहां से इस स्टेप पर 10, 100, 1000, 10,000, यानी कि एक किलोमीटर में 10,
सौ, हजार, दस हजार डेसीमीटर होंगे। इसी प्रकार से यदि हमें छोटे यूनिट से बड़े यूनिट की ओर आना हो तो हम उसे दस, सौ या हजार से भाग करते रहेंगे। जैसे एक सेंटीमीटर में यदि हमें किलोमीटर देखने हो तो वो हो जाएंगे 0.00001 किलोमीटर। इस प्रकार से इन छोटी एक्टिविटीज के द्वारा हम यूनिट्स को एक दूसरे में कन्वर्ट करना सीख सकते हैं।